नमस्कार। तो आज आप हम राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स यानी कि RCF स्टॉक के ऊपर बात करेंगे और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। राष्ट्रीय केमिकल यानी कि RCF स्टॉक की बात की जाए तो स्टॉक में आज हल्का सा पुल बैक देखने को मिला है, क्योंकि स्टॉक के अंदर काफ़ी गिरावट आई है। 250 लेवल से गिरकर स्टॉक अभी देख सकते हैं तकरीबन 80-90 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। अभी पुल बैक आज देखने को मिला है। फिर इसके अलावा आप लोग नज़र डालोगे वॉल्यूम्स के ऊपर, अगस्त मंथ से वॉल्यूम देखोगे तो काफ़ी कम क्वान्टिटी के साथ वॉल्यूम्स आ रहे और बेरिश वॉल्यूम ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से मोमेंटम इतनी खास नज़र नहीं आ रही थी RCF के अंदर। अगर वॉल्यूम बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक मोमेंटम में चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेंगे तो स्टॉक में डिमांड बढ़ेगी और फिर से पुल बैक आ सकता है, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस 170 के करीबन लग सकता है, जहाँ पे ब्लू कलर का लाइन है जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज है RCF के लिए। बाकी यहाँ पे रिसेंटली कोई न्यूज़ भी देखोगे तो अपडेट या न्यूज़ नहीं है।